नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। यूपी के हमीरपुर जिले में आज एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यह युवक 21 तारीख से अपने घर से गायब था और इसके परिजनों ने पुलिस थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली कस्बे उपरौस मोहल्ले का है, जहां एक युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश फांसी के फंदे में झूल रही थी। वह मृतक के घुटने जमीन पर रखे हुए थे। लाश इस अवस्था में थी कि देखने वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह हत्या है या आत्महत्या। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इस घर में पिछले कुछ सालों से कोई निवास नहीं कर रहा है, वह खंडहर के रूप में पड़ा रहता है। आज शाम को अचानक बदबू आने के कारण रहा नहीं गया, तभी देखा कि कोई व्यक्ति उसी खंडहर में फांसी के फंदे पर झूला झूल रहा है। ये घर मृतक के मौसी का बताया जा रहा है, जो अब यहाँ नहीं रहती। इस घटना की तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। मृतक का नाम चांद बाबू बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों की माने तो चांद मोहम्मद पिछले 3-4 दिन से घर से गायब था और अचानक रात में उसके मरने की खबर मिली। मोहम्मद इल्साद। अच्छा, ये जो घटना हुई है, कौन है आपके? बड़े भाई है हमारे। कैसी क्या घटना हो गई? ये पड़ोसियों से पता चला हुआ कि घर पे आपकी बहुत बदबू आ रही है, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे देखा तो बंदा टंगा हुआ था। हम पहचान भी नहीं पाए कौन है, क्योंकि उस पर कीड़े पड़ चुके थे। फिर हमने पुलिस को इल्तिजा की, वहाँ पे पुलिस आई, फिर उसको जाके पास में जाके चेक किया, तब भी समझ में नहीं आया। फिर रात में बॉडी को उतारा गया और उसकी शनाख्त की गई, तो कपड़े और मोबाइल से भाई ही लग रहा है। अच्छा, लेकिन बॉडी से अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो क्या आपका भाई क्या करता था? जी, बेलदारी करता था। कितने दिन से आपके घर नहीं आया? 3 दिन से। शनिवार को ये घर से निकला हुआ था कि मैं काम करने जा रहा हूँ बाहर, लेकिन ये आया नहीं। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है? पुलिस कह रही पंचनामा कर दिया उन्होंने और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है लाश को। इधर बत्ती गोल थी, सब मोहल्ले के बैठे थे बाहर, तो गंदाई उससे, फिर उसके घर वालों को बुलाया। किसके घर वालों को? मतलब जिसके घर है, मतलब नाम पता किसके घर है? ये मतलब है उनके बहनी के घर है। अच्छा, तो उन्हीं के पास चाबी थी, तो बुलवाया कि भाई देखो जान बारानबार तो नहीं मारे पड़े, गंदा आ रही है बहुत, खाना वाना खाए उल्टी कर रहा है आदमी। फिर बुलवाया तो फिर देखा उसने, उसी गला का मतलब फांसी लगाया। आप लोगों को इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में? कोई जानकारी नहीं। जब गंदा आई तब पता चला? गंदा आई जब पूरे मोहल्ला को पता चल गया। अच्छा, फिर पुलिस आई थी? फिर उसके बाद बिपिन बनिया ने फोन किया पुलिस को, फिर पुलिस आई, फिर अपना लेखा पढ़ी करके ले गए। क्या मामला है, क्या जांच में पाया गया और परिजनों ने क्या आरोप लगाया? कस्बा मौदहा के मोहल्ला उपरौस में जान बाबू नामक एक लड़के, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, लटकी हुई, जैसे लटकी हुई लाश मिली हुई है, तो उसके भाई द्वारा थाने को सूचना दी गई है कि उसका भाई 21 तारीख से गायब था, कल रात में उसकी लड़के से अंधे से लटकी हुई लाश मिली। इस सूचना पर थाना मौदहा पुलिस द्वारा अज्ञातनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम के उपरांत जो भी मेडिकल पीएम रिपोर्ट में प्रकाश में आएगा और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो चीज़ें प्रकाश में आएंगी, उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये उनके परिजनों ने क्या आरोप लगाया? अभी परिजनों के द्वारा केवल फंदे से लटकी हुई लाश के बारे में सूचना दिया है और 21 तारीख से गायब होने की बात बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि घटना क्या है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।